अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा बारात मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जिसको अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जी, एज यूजुअल सबसे पहले मुसर्रत मिसबाह का आईब्रो पैलेट लिया है मैंने, जिसके साथ प्रॉपर हम अपनी आईब्रोज की शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्पूली के साथ आप अपनी आईब्रोज को नीट कर लोगे। आई मेकअप के लिए मेरे पास है स्लश का आई शेडो पैलेट, जिसके अंदर से मैंने रेड कलर लिया है। आप किसी भी आई शेडो पैलेट में से रेड कलर ले सकते हो। इसको मैं छोटे साइज़ वाले बुलेट ब्रश के साथ पहले कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी, उसके बाद थोड़े से बड़े साइज़ वाले ब्रश के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। सो ब्रशेज़ मेरे पास ब्यूटी फाइव है आमना के ब्रशेज़ हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी ब्लेंडिंग करते हैं। बड़ा ही सॉफ्ट सा ब्रश होता है, इसके सारे ब्रशेज बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जी मैंने लिया है बिग कवर का कंसीलर, वन नंबर है मेरे पास। इसको मैं एक फ्लैट साइज़ वाले ब्रश के साथ जो है ना अपने क्रीज में बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी, लाइक बिल्कुल इस तरह से। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट वेलवेट कलर भी लगा सकते हो, बट यह है कि कंसीलर अगर आप पहले लगा लेते हो ना, तो आप डायरेक्ट उस एरिया पर ही जो है वो लगाओ, तो वो बहुत अच्छे से पिगमेंट जो है वो फिक्स हो जाता है आपकी आइज़ के ऊपर, ठीक है। सो मैंने अब कंसीलर वाले एरिया के ऊपर विदाउट पाउडर लगाए जो है ना डायरेक्ट वेलवेट कलर अपने फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। सही होगा कि ये कलर जो है ना बड़े अच्छे से फिक्स हो जाएगा आइज़ के ऊपर। उसके बाद मैंने गिब्रिनी का हाइलाइटर लिया है ए नंबर पैलेट, और इसके एक छोटे साइज़ वाले ब्रश के साथ अपने ब्रोबन एरिया में बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी। इसके अलावा इनर कॉर्नर पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब जी मैंने लिया है मेरे पास जैनी का प्रेस ग्लिटर है, जिसका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ग्लिटर की स्पेशलिटी ये है कि विदाउट फिक्सर ये जो है ना फिक्स हो जाता है, मतलब प्रेस ग्लिटर है तो इस पर किसी ग्लू की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। लाइनर के लिए मेरे पास चाइनीज़ ब्रांड का लाइनर है, और मज़े की बात यह है कि इसे मैंने एक लोकल शॉप से 100 रुपीज़ में परचेज़ किया, और यू कैन सी दिस के बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है इसका। बड़े ही मज़े का काजल लुक जो है वो आप इसके साथ अचीव कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आपको कि आप दो दो ढाई ढाई हज़ार वाले काजल जो है वो परचेज़ करो। कॉर्नर से मैंने पाउडर कलर लिया है क्रेलॉन का, सिंगल ब्लैक कलर है ये डस्ट फॉर्म में। सो इसके साथ मैंने कॉर्नर से लाइनर को जो है वो स्मच कर दिया है। सेम कलर को आइज़ के नीचे अपने लोअर लैश लाइन के साथ अप्लाई करूँगी, और उसको रेड कलर के साथ ही जो आइज़ के ऊपर लगा हुआ है उसी के साथ एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं इसको जो है वो ब्लेंड आउट कर दूँगी। सो जी अब मस्कारा हमें लगाना है अपने लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए। सो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ गिब्रिनी का डिज़ाइनर मस्कारा है, जिसके साथ प्रॉपर हम अपने लैशेस को जो है वो वॉल्यूम देंगे, बिकॉज लैशेस लगाने से पहले मस्कारा मस्ट है। आईलैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ जी मेरी अपनी ब्रांड की आईलैशेस हैं, रियल मिंग का आईलैशेस, जिनमें आपको मज़ीद 6 आर्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं। सो अगर आप इन आईलैशेस को ऑर्डर पे मंगवाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है आसमा खान ऑफिशियल के नाम से, आप मुझे वहाँ पे डीएम करके इन आईलैशेस को जो है वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। और जो फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, यू कैन सी दिस के बहुत ही खूबसूरत सा बारात मेकअप लुक हमने विद इन 5 मिनट्स में जो है वो अचीव कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ यहाँ यूट्यूब पर तो काइंडली वीडियो के लिंक्स आगे शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।